पावे वसे तू बलैत असा करनी निरैत पावे वसे तू बलैत असा करनी निरैत हो तेनू लेके जाना मिया वाली कमीज दे कमीज दे दी काली नी सुन फुला वाली कमीज दे दी काली नी सुन फुला वाली पावे वसे तू बने असा करी नी नी रे पावे वसे तू बने असा करी नी नी रे तेनू लेके जाना मिया वाली कमीज दे दी काली सुने फुला वाली कमीज दे निकाली मी सुने फुला वाली टिका तेनू सजदा नी मथे उते सजदा नी टिका तेनू सजदा नी मथे उते सजदा तेनू जिन्ना भी मैं तक्का नहीं हो रजदिया का तेनू जिन्ना भी मैं तक्का नहीं हो रजदिया का तेनू दे गण दिल नहीं हो रजदा कमीज दे दी काली नी सोने फुला वाली तू पहला पावे ते नखर दिखावे तू पहला पावे ते नखर दिखावे रब करे साडा मेल कदिया जाई सके रब करे साडा मेल कदिया जाई सके भुल जान लो तू मन चावे कमीज दे दी काली सोने फुला वाली कमीज दे दी काली नी सोने फुला वाली मुल बिकदा रू माया हो मुल बिकदा रू माया एक चंगा तू लगने दूजा फेर भी तू माया कमीज तेरी काली नी सोने फुला वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुला वाली पावे बसे तू बले तू असा करी नी नी रे पावे बसे तू बले असा करी नी नी रे तेनू लेके जाना मिया वाली कमीज तेरी काली आगे की लवाली कमीज तेरी काली नी सोने फुला वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुला वाली
असा कर दिनी रैत वो तेनू लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली पावे ते नखर दिखावे तू पहला पावे ते नखर दिखावे रब करे साडा मेल कदिया जाई साखे रब करे साडा मेल कदिया जाई साखे सानू बैण दे जुल्फा दी छावे कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली नी सोने फुल्लां वाली नी सोने फुल्लां वाली नी सोने फुल्लां वाली थैंक यू अस्सलामुअलैकुम थैंक यू आज जो कमीज़ है काली वो सिर्फ मैंने पहनी हुई है और इस पर फूल नहीं बने हुए हैं जिन लोगों को काली कमीज़ पहननी थी वो तो कुछ और ही कपड़े पहन के आए हुए हैं आज तो आप लोगों ने नीले फिरोजी एंड ऑल दैट बहुत सारी तालियां हदीन के लिए जी थैंक यू बहुत सारी तालियां अरूबा के लिए बहुत सारी तालियां बहुत सारी तालियां मेरे लिए जी थैंक यू सो मच आज खुशी का भी दिन है और खौफ का भी दिन है खुशी का दिन इसलिए है कि लाला आज हमारे मेहमान होंगे अताउल्लाह खान ईसा खिलवी साहब आज हमारे पास यस 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 वेयर यू गो दैट्स इट शो देम शो देम शो देम शो देम यस गेट अप गेट अप यस और खौफ कर ये क्या कर रहे हो यार तुम लोग क्या कर रहे हेलो आंटी अभी नहीं करना ये क्या हो गया आंटी आज आज अताउल्लाह खान ईसा खेल में क्या आंटी नहीं आंटी मुझे ऊपर हमारे हमारे इस जगह ना एक रूह का कब्जा है वो आंटी मुझसे बहुत प्यार करती हैं वो चाहती हैं कि मैं उनके साथ ऊपर आंटी मैं आऊंगा नहीं आंटी आपको अगर मुझे लेके जाना है तो आपको अपनी शक्ल कटरीना जैसी करनी पड़ेगी देन वेलकम देन वेलकम अच्छा आज का शो खुशी वाला इसलिए बिकॉज अताउल्लाह खान ईसा खेल भी हमारे साथ हैं खौफ वाला इसलिए कि लाला के चंद गाने मैंने भी गाए हैं और नहीं 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 वाक की बात नहीं है आज खुद लाला यहाँ पे मौजूद है तो मेरे साथ जो वो करने वाले वो आपकी सोच है बट एनीवे वी लव हिम एंड ऑनेस्टली वी लव हिम और मेरे तो जिंदगी में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनका दिया हुआ है इस सेंस के अंदर कि मेरी बहुत सारी यादें हम सब ने प्यार किया है और लाला ने हमें सिखाया कि प्यार करना कैसे अच्छा लगता है फिर लाला ने ये भी सिखाया कि प्यार के बाद दुख कैसे मनाना है उसका मैं सच बता रहा हूँ ये गाने नहीं होते ना तो हम लोग भी नहीं होते मतलब आप सोचें बेदर्द ढोला किसने नहीं सुना हम तो उसको सुन सुन के अक्सर रोए हैं जिन भी लोगों के लिए रोए हम रोए हैं तो बट जस्ट To tell you the truth, honestly, आज बड़ा अच्छा दिन है बहुत खुशी का दिन है आज सुबह सुबह बहुत अच्छी है because and I was looking forward to this show कि मैं उनके लिए शो कर सकूँ और आज वो हमारे साथ होंगे आप सबको मैं माइक भी दूंगा आप भी उनसे सवालात कीजिएगा आज yes, yes. पहले बता दूँ लाला के गले का ऑपरेशन हुआ है लेकिन मैं लाला से कोशिश कहूँगा बोलूँगा उनसे कि प्लीज़ प्लीज़ गा लें लेकिन आज आपको एक जगह एक तो लाला तो है ही है लाला के साथ साथ आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे लाला के साहबजादे सावल से
तालियां थोड़ी सी खुल के होनी चाहिए। 1 2 3 और गो। और आज आप सावल से फरमाइश कीजिएगा, मैं टेलीफोन कॉल्स को भी ओपन कर रहा हूँ। आज आप अपने फेवरेट मनपसंद आर्टिस्ट यानी अताउल्लाह खान इज़ाखेलवी साहब से और सावल से बात कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़, इस वक्त वो मेरे कमरे में हैं और ऊपर बैठ के देख रहे हैं शो, तो मैं उनसे लाला से रिक्वेस्ट करूँगा, लाला अपने फैंस का दिल मत तोड़िएगा, बिकॉज आज लाखों करोड़ों लोग टीवी के साथ ग्लूड हैं और वो आपको देखना चाहते हैं और मैं लाला से बहुत सारे सवाल करूँगा, स्पेशली लाला की मोहब्बत के बारे में। तो डोंट वरी अबाउट इट, आज सारे सवाल आप छो। यस यस यस। छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद आपकी पहले सावल से मुलाकात होगी, फिर लाला से मुलाकात होगी। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं। गुड मॉर्निंग। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। हाथ ऊपर सारे। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी की दुल्हन बनेगी। कयामत से पहले कयामत है यारो, कयामत से पहले कयामत है यारो, मेरे सामने मेरी दुनिया लुटेगी। इधर जिंदगी का जिशान, हाथ ऊपर, एक मिनट, अब आपको सरप्राइज मिलने वाला है, इसी ब्रेक में एक सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। जवानी पे मेरी सितम ढाने वालो, जरा सोच लो क्या कहेगा जमाना। जवानी पे मेरी सितम ढाने वालो, जरा सोच लो क्या कहेगा जमाना, कहेगा जमाना। इधर मेरे अरमान कफन पहन लेंगे, इधर मेरे अरमान कफन पहन लेंगे, उधर उनके हाथों में मेहंदी रचेगी। इधर जिंदगी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने लाला को सुना है, आपने सावल को सुना है, बहुत सारी तालियां, ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छा गाते हैं, लाला के साथ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का बेहतरीन गुरुकार है, आज हमारे शो में खास तौर पे लाहौर से आए हैं, बहुत सारी तालियों में सावल अताउल्लाह इज़ाखेलवी।
ladies and gentlemen, Samar ke liye taaliyan. जवानी पे मेरी सितम ढाने वालो जरा सोच लो क्या कहेगा जमाना कहेगा जमाना इधर मेरे अरमां कफन पहने लेंगे उधर उनके माथे पे बिंदिया सजेगी इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा उधर जिंदगी की दुल्हन बनेगी थैंक यू कैसे हैं आप इस्तकबाल आपने देख लिया बहुत प्यार करते हैं लोग आपसे थैंक यू बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अच्छा ये जो दर्द लिया आपने तो इसमें कोई वारदात का दखल है या ऐसे हो गया इसमें वालिद साहब का दखल है वालिद तो है ही ना वो तो मतलब जाहिर है मैंने भी अपने वालिद से कुछ चीज़ें ली लेकिन कुछ बंदे का मेरे लिए मेरे वालिद सब कुछ नहीं वो तो है और मेरी वालदा वो तो क्योंकि जब उनका नाम मेरे आता है तो उसको बरकरार रखना इतना मुश्किल हो जाता है कि कुछ और दिमाग में रहता ही नहीं उनका काम उनका नाम इतना इन्फ्लुएंशियल है कि उसको बरकरार रखना जैसे मैंने कहा बहुत मुश्किल है तो ये नहीं मैं तो दर्द की वारदात की बात कर रहा था वो जिस दर्द की आप बात कर रहे हैं फिलहाल नहीं है ही नहीं कभी नहीं हुआ ना मतलब किसी को देख के कभी कुछ भी नहीं हुआ नहीं फिलहाल होगा ये किसने कहा क्योंकि क्योंकि वो शख्स मेरी लाइफ में ऑलरेडी है एंड दैट इज माय वाइफ अच्छा ये वाइफ ठीक सही तो अब आइंदा कोई चांस नहीं कैमरे में देख के बोलो कैमरे हर जगह आप कैमरे लगे नहीं सामने वाला कैमरा कोई चांस नहीं भाई जैसे अभी आपने कहा ना बड़ा मुश्किल लगता है आई मीन लाला इज लाला यार मतलब यू कैन नॉट बी बिगर देन अताउल्लाह खान ईसा के लिए तो कैसा लगता है जब आप बाहर जाते हैं और लोग आपको उनके नाम से भी पहचानते हैं अपने नाम से तो पहचानते हैं बट उनके नाम से भी पहचानते हैं आ जाए अभी अभी आ जाइए प्लीज़ बैठ जाइए अभी इनके लिए बहुत सारी तालियां जी थैंक यू सो मच मैं इंतजार में थी आप बुलाने में काफ़ी देर से हूं जी नाम जैसे मैंने कहा कि बहुत खुशी होती है और जिस तरह से लोग प्यार करते हैं पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान में भी अभी मैं कराची आया कल तो जैसे लोग एयरपोर्ट पे मिल रहे हैं होटल में मिल रहे हैं बाहर मिलते हैं मैं कुछ कह नहीं सकता मेरे पास अल्फाज नहीं बहुत इतना खूबसूरत और मैं बल्कि रात को मैं अपने वालिद साहब से यही बात कर रहा था मैंने कहा बाबा देखें आपको अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी है कि 50 साल से बरकरार है और कितनी बड़ी बात अच्छा आप लोग सावल से सवाल भी करेंगे मैं माइक भी दे दूंगा तो आप सावल से जरूर पूछिएगा कैसा लगता है जो भी आपके जहन में सवाल हो जिस तरह का भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं एक टेलीफोन कॉल है वो ले लेते हैं उसके बाद हम बातचीत करेंगे थोड़ी देर में बस थोड़ी ही देर में लाला हमारे साथ होंगे एक टेलीफोन कॉल लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी क्या नाम है सर आपका सर नदीम गुजर बात कर रहा हूं इस्लामाबाद से नदीम गुजर बात कर रहा हूं इस्लामाबाद से जी सर थोड़ा सा नदीम की वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा जी नदीम कैसे हैं आप गुजर बात कर रहा हूं सर इस्लामाबाद से जी कैसे हैं आप सर ठीक थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया क्या कहना चाहते हैं करना चाहता हूँ सबके बहुत अच्छे हैं अताउल्ला खान साहब के और सावन साहब के और आपका शो बहुत अच्छा सर थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया सावल आपके सामने कोई सवाल करना चाहते हैं सावल से सर कोई भी अच्छा सा गाना सुना दे सावल को कहें
अंकल साकब सलाम दे रहे हैं, हमारे साथ आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, असगर साहब हैं, वालेकुम सलाम, अस्कार बाती साहब हैं मेरे साथ साथ इस्लामाबाद से, अच्छा अच्छा, और ये सब फ्रैकी गानों से बहुत दिलचस्पी रखते हैं। जी जी जी, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। अंकल साकब बहुत फैन है अतावला साहब के ना, ये गाड़ी में अक्सर अतावला साहब के गाने सुनते हैं सावल के। अच्छा अच्छा, अंकल साकब हमारे, अच्छा अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर सावल आपको गाने भी सुनाएंगे, लेकिन जाहिर हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्या आपका इंतजार खत्म हो गया है, क्या हमारी मुलाकात होगी लाला से, आपको पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। लेकिन जाइएगा कहीं नहीं, आज का शो बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छा है, आपको मौका मिलेगा कि आप सवाल कर सकते हैं, और आपको मौका मिलेगा जो मुझे देख रहे हैं टेलीविजन पर, आप सवाल कर सकते हैं, लाला से बात कर सकते हैं, लाला से फरमाइश कर सकते हैं, और अगर आप कोई लाला को लाला का गाया हुआ गाना सुना देंगे और बहुत अच्छा गाना सुना देंगे तो दुबई का एक रिटर्न टिकट है। दैट्स व्हाट इट इज, यस दैट्स व्हाट इट इज, दुबई का एक रिटर्न टिकट है। लाला को लाला का ही गाया हुआ गाना सुनाना है आपने। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेवल है वो इस वजह से है बिकॉज जो शख्स ने आना है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, बचपन में हम जब स्कूल के अंदर थे तो बहुत सारे शोज होस्ट किया करते थे, तो एक शेर हमने बार बार पढ़ा था और बार बार उसी तरह से कह के हम लोगों को बुलाया करते थे। मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने, मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि अपना आप तारुफ हवा बहार किए। अच्छा ये मुझे कभी समझ नहीं आया, फिर जब मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलना शुरू हुआ, जैसे उमर भाई हैं, जैसे लाला हैं, जैसे इमरान खान साहब हैं, जैसे और बहुत बड़े इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैडम नूर जहाँ, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, इनसे मैं मिला, राहत साहब, राहत भाई, आतिफ, तो इन तमाम लोगों से जब मैं मिला तो फिर मुझे ये शेर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपको फिर भी पहचानते हैं, क्योंकि जो बहार होती है ना उसका तारुफ सिर्फ बाहर ही होती है, उसके अलावा उसका कोई तारुफ नहीं होता। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जिस शख्स को मैं बुला रहा हूँ, मुझे 15, दिस इज़ माई 15th ईयर इन बिजनेस, और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि कम ऐसे लोग हैं जिनको बुलाते वक्त मेरे पास अल्फाज कम हो जाए, पाकिस्तान या कहीं और। लेकिन ये वो शख्स है जिसको बुलाने से पहले दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप इनके लिए मुसलसल बोलते रहें या कुछ ना बोले, दोनों सूरतों में आप इनके साथ फिर भी इंसाफ नहीं कर सकें, क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन 50 साल का सफ़र है और इस 50 साल के सफ़र में हज़ारों की तादाद में गीत हैं और करोड़ों की तादाद में दिल हैं जो इनके लिए तड़पते हैं। आप सबकी बहुत सारी तालियों में द वन एंड द ओनली, द लेजेंडरी, द आइकॉनिक अताउल्लाह खान की सफर।
क्या हुआ? कैसे लाला? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपने मोहब्बतें देखी हैं लोगों की? खुशी का लेवल आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। आपकी मोहब्बत की मोहब्बत और दुआएं मुझे यहाँ तक ले हैं। नहीं लाला, मोहब्बत, दुआएं, फन, मेहनत, सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप अपनी तसदीक कर लें कि मेरे गले का ऑपरेशन नहीं हुआ। मुझे जो बताया था इनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन। ओह माय गॉड। अच्छा, अब ठीक हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मोहब्बत, इनकी मोहब्बत। आज बहुत सारी पुरानी बातें करनी है। लाला शुरू कहाँ से हुआ था ये सफर जो हुआ था, ये कहाँ? ऑपरेशन। चले ठीक है भाई, आप लोग जाएं, मैं ऑपरेशन के बारे में बात करूंगा। अभी तो चल जाइए आप। नहीं लाला, ये जो फन का सफर है, गाने का सफर है, कहाँ आप ईसा खेल में कैसे कैसे शुरू कैसे हुआ था? जब से होश संभाला तो गाने का शौक था। अच्छा। मैं ट्राइबल पठान हुआ, गाना आज भी बहुत मायूब समझा जाता है, तो उसकी पादाश में घर से निकलना पड़ा, खानदान से निकलना पड़ा, और फिर एक तवील सफ़र है, 50 साल का सफ़र, आधी सदी बीत गई। ये मेरे सुनने वालों की मोहब्बत और दुआएं हैं कि वो मुझे आज भी बर्दाश्त करते हैं। याद है पहले गाना कैसे रिकॉर्ड किया था, पहला गाना? पहला तो स्कूल टाइम में था, जब मैं सुबह के वक्त इलामा इकबाल का कलाम गाया करता, कौमी तराना गाया करता था, तो फिर उन दिनों में जो गाने मशहूर हुआ करते थे उनसे दिल बहलाया करता था, सीखने का शौक बहुत था। गानों के अलावा किसी चीज़ से दिल बहलाया? दिल बहलाने वाली जो चीज़ें हैं उससे मैं भी इंसान हूँ। सही जी। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर दिल बहल गया। अच्छा, पहला गाना कौन सा रिकॉर्ड हुआ? पहला गाना ऑन एयर था, बेपरवाह ढोला के उदित तैसा को रोल सरायकी का था, जो कराची से ही ऑन एयर गया था 73 में। 1973 में तारिक अजीज शायद का शो चलता था नीलामघर। नीलामघर ऑफ कोर्स, नीलामघर। टीवी ब्लैक एंड वाइट हुआ करता था और शहर में किसी किसी के पास होता, कराची की तो मैं बात नहीं करता, यहाँ तो बहुत होते होंगे, लेकिन हमारे इलाकों में बहुत कम ऐसे गांव होते थे, शहर होते थे जहाँ टीवी होते। उस वक्त 73 के शुरू में मेरा ख्याल है वो प्रोग्राम चला। हाँ। अच्छा, पहला जो हिट वॉल्यूम आया था उसमें पहला हिट गाना कौन सा था? दिल लगाया था, दिल लगी थी, दिल लगा। उसमें 3-4 गाने हैं जो मेरे सुनने वालों ने उस इज्जत दी, प्यार दिया। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, जिसको अभी तुम खराब कर रहे थे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल लगाया इसे, दिल। अच्छा मैं, आप देखते नहीं है शो, मैं अक्सर खराब करता हूँ इसी गाने को। अक्सर खराब करता हूँ। लेकिन और मैं आपका और मैं आपका नाम लेके मतलब कहता हूँ कि आज तो मजबूरन मुझे देखना पड़ा। कहते ना जनाजा उठेगा और हमें कहते तालियां बजाओ, मैं कह रही हूं जनाजा उठ रहा है और सब ये धड़ धड़ तालियां बजा रहे हैं। ये बेटा, मेरी खुशकिस्मती कि मैं शायद इस मुल्क का या दुनिया का वाहिद आर्टिस्ट हूं कि जनाजे पे भी लोग नाच रहे हैं। ये फिर
ये सिर्फ शायर का कसूर नहीं है, अक्सर अक्सर लाइव शो में ऐसा होता है कि मैं जनाजा गा रहा हूँ, वो लोग नाच रहे हैं। ये मोहब्बत की सर कुछ जनाजे ऐसे होते हैं जिसमें इंसान का डांस करने को दिल चाहता है। जी कौन से जनाजे? नहीं आपको क्यों बताया हम? बताए ना था कि मैं वहाँ तालियां बजाऊं फिर। अच्छा एनीवेज कमिंग बैक टू, तो इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, दिल लगाया था दिल्लगी के लिए। ये एल्बम शायर आया था 78 में। अच्छा 78 में, उससे पहले आवारा गाता रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान दो ऐसे इदारे थे अवाम में जाने के, तो दोनों ही मुझे कबूल नहीं करते थे क्योंकि मैं साहिब इल्म नहीं था, मुझे गाना आता नहीं था। जो गाने के इसरार और रमूज हैं या ABC कह लो, उससे मैं नावाकिफ था। तो वो वहाँ तो उस वक्त बाकायदा एक पैनल होता था जो जो भी लोग आर्टिस्ट जिस भी शेप में होते थे, चाहे शायर था, चाहे लिखारी नसर निगार था, ड्रामा लिखता था, ड्रामा आर्टिस्ट था, गुलकार था, शायर था, जो भी होता, उसके बाकायदा एक होती थी, एक प्रोसेस होता था, उसमें से गुजर के वो कैमरे के सामने जाता, जो मेरे लिए ज़रा मुश्किल था क्योंकि मुझे तो वो आदाब नहीं आते थे जो आने चाहिए थे। तो फिर मैं कैसेट के हवाले से अपने सुनने वालों में आया 78 में। RGH एक कंपनी थी फैसलाबाद की, चौधरी रहमत साहब अल्लाह गरी के रहमत करे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। फिर उनके चार एल्बम इकट्ठे रिलीज हुए, पहले तीन सरायकी पंजाबी और उर्दू। तो उर्दू का था जिसको तुम अभी जी मैं समझ बिल्कुल समझ गया, इतना खूबसूरत गा रहे थे, वो उससे आगाज़ हुआ। तो उसने मुझे फिर आप तक पहुंचा दिया। नहीं हम सब तक पहुंचा दिया, मुझ तक तो क्या पहुँचेंगे। अच्छा मेरा ही एक शो था और लाला ने मैडम नूर जहाँ का एक गीत गाया था, अल्लाह दिसो तू नहीं दिसता, और वो कमाल था। मैं हम सब बैठे हुए थे, आई थिंक शिबा आपा थी, हामिद भाई थे, आप थे, कुछ और लोग थे, सांवली तुम भी थे उस शो के अंदर। तो आपने वो गीत गाया था अल्लाह दिसो तू नहीं दिसता, तो अगर थोड़ा सा लाला सिर्फ वो थोड़ा सा गुनगुना सके। एक तो मेरी खुशकिस्मती कि मुझे मेरे दौर में बहुत बड़े नाम उनके कदमों में बैठने का एजाज़ नसीब हुआ, उनसे कुछ न कुछ सीखने का, उनमें मादाम नूर जहान भी शामिल थी। मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मेरा एक गाना उनके साथ एक फिल्म में भी है, हालांकि मैं फिल्म का सिंगर नहीं, आवारा सिंगर हूँ मैं, फिल्म में तो बंदिश वाला गाना होता है, लेकिन मुझे एजाज़ आज से लेकर मैंने उनके साथ एक गाना किया। और आज तो मैं इस उसमें नहीं हूँ कि मैं वो गाना सुना सकूँ, लेकिन तुम्हारे इसरार पे मैं एक दो लाइनें सुना देता हूँ। सर प्लीज़ इसको कम कर दीजिए। तो बिल्कुल ओ हो तेरियाँ रावां, ओ हो मेरियाँ निगावां, अल्लाह दिसो तू नहीं दिसदा, हाय अल्लाह दिसो तू नहीं दिसदा, ओह तेरियां नरावां, ओह मेरियां निगावां, अल्लाह दिसो तू नहीं दिसदी। अच्छा एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद कुछ सवाल आते हैं हमारे पास लाला के लिए, और अब माइक मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं अताउल्लाह खान इसा खेलवी साहब से तो वो सवाल कर सकते हैं, फोन लाइन आर ओपन। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। रात की नींद ना मोड़ी, उठो वल तुर जोड़ के
जब देख लिया हर शख्स यहाँ हर जाई है, फिर शहर से दूर एक कुटिया हमने बनाई है, और उस कुटिया के माथे पर लिखवाया है सब माया है, सब माया है, सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है, सब माया है, सब माया है। वो लड़की भी जो चांद नगर की रानी थी, वो जिसकी अल्लड़ आंखों में हैरानी थी, आज उसने भी पैगाम यही भिजवाया है, सब माया है, सब माया है। थैंक यू। अच्छा, इससे पहले कि हम लाला से बात करें और टेलीफोन कॉल्स लें, मैं आपको एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहता हूँ, और पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद बात को आगे चलाएंगे। ये है लाला का सफर, आप सब भी देखिए, प्लीज वॉच दिस। चंद फनकार ऐसे होते हैं जो सदियों में पैदा होते हैं और मुल्क और कौम की पहचान बन जाते हैं। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में भी चंद ऐसे सितारे शोबिस के उफक पर चमके, जिनमें एक बहुत ही काबिल जिक्र नाम आज हमारे मेहमान हैं। ये एक गुलकार नहीं बल्कि करोड़ों दिलों पर सालहा साल राज करने वाले एक ऐसे जादूगर हैं, जिन्होंने अपनी आवाज़ की मिठास और सोच से हर प्यार करने वाले शख्स के दिल की तारों को छू लिया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अजीम गुलकार और हमारे लेजेंड जनाब अताउल्लाह खान ईसा खेलवी की। अताउल्लाह खान 19 अगस्त 1951 को पंजाब के शहर मियांवाली के इलाके ईसा खेल में पैदा हुए। बचपन से उन्हें गायकी का शौक था और इस शौक के हाथों उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि उनके घर की तरफ से उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने ख्वाबों का पीछा किया। 18 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में सफर किया और सराइकी, पंजाबी और उर्दू जबान के सफ़े अव्वल के गुलकार बन गए। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बने, इधर जिंदगी जनाजा '72 में अताउल्लाह को रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया और 1973 में उन्होंने पहली बार टीवी पर नीलामघर शो में अपने फन का जादू जगाया। अताउल्लाह खान ईसा खेलवी पाकिस्तान के फोक आइकन हैं और उनको सबसे प्यार मिला। लाला कहते हैं कि सबसे हिट गानों में कमीज तेरी काली, उधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, वे बोल सांवल, इश्क में हमें तुम्हें क्या बताएं, थेवा मुंदरी दा थेवा,
और प्यार नल ना सही गुस्से नल वेख लिया कर बीमारा नु शफा मिल जाती है, काबले दीद है। सारा शहर ग्यारह में अताउल्लाह खान पहली बार कोक स्टूडियो में आए। इस 7 जबानों से जायद में 50,000 से जायद गाने रिकॉर्ड करवाए। बरतानिया में क्वीन एलिजबेथ दोम ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया और 1994 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अताउल्लाह के बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो अब तक मजीद वालिद का नाम रोशन करते जा रहे हैं। उनके बेटे सावल अता, जो कि वालिद के नक्श कदम पर मौसीकी में अपना नाम बना रहे हैं, जबकि उनकी बेटी लारेब, जो कि फिल्मों की ग्राफिक्स में माहिर हैं, बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में काम कर चुकी हैं और मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। आइए हम इस्तकबाल करते हैं जनाब अताउल्लाह खान ईसा खेलवी साहब का और उनके साथ मौजूद हैं उनके साहबजादे सावल अता। पचास साल का सफर, कमाल कमाल कमाल। वर्सो अच्छा, मैं मुझे ऐसे लगता है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे 15 साल हो गए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन, मुझे लाला का एक इंटरव्यू याद है जो मैंने TV1 के लिए किया था आपके वहाँ, आपके आई थिंक घर पे लाहौर के अंदर। लाला ने गाना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, और ये अक्सर हुआ है, उसका कोई रीज़न नहीं होता, लेकिन आई थिंक वो जो एक इनर कोर होती है ना आपकी, उसको जाके लगता है और वहीं से वो गीत निकलते हैं। आज 50 साल अगर लाला हमारे साथ हैं और आज भी इनकी आवाज़ में जादू है, तो उसका ताल्लुक ज़बान से नहीं हो सकता, उसका ताल्लुक सिवाय दिल के और किसी जगह से, और किसी भी जगह से। एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, समीना बात कर रही हूँ कराची। जी समीना, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत 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 खुशी हो रही है कि आज अताउल्लाह साहब से बात हो रही है। मैंने इनको अपने बचपन में बहुत सुना है, करीब से सुना है, फैमिली में सुना है, लेकिन खुशी की बात ये है कि पता चल रहा है कि 50 साल हो गए, लेकिन ये लग 25 साल के ही रहे, क्योंकि जब मैं इनको देखती थी तब भी होती थी। तो बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है। आप 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 जमीना, आप लाला से बात करें ना, पूछें तो सही है क्यों 25 के लग रहे हैं, क्या वजह क्या है? जी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में सिर्फ दो लोग हैं, पाकिस्तान में सिर्फ दो लोग हैं जो 25 के लगते हैं, एक लाला और अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अताउल्लाह साहब? मैंने आपको अपने बचपन में बहुत सुना है। उस वक्त मैं भी जवान था। जी मैं कैसे रही हूँ, तब भी आप वैसे ही आज भी तक चुपके हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप इसी तरह हंसती खेलती रहें। लेकिन खुशी इस बात की है कि आप पाकिस्तान का असासा हैं, आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट जो है वो प्राउड है। आप हमारे लिए एक प्राउड है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने बच्चों को भी माशाल्लाह इस तरह सामल को या अपनी बेटी को, यानी हॉलीवुड में परफॉर्म करना मतलब एक लोगों का ख्वाब होता है, आपने माशाल्लाह कहाँ से अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी को पहुँचाया, तो ये हमारे लिए मतलब एक आप एग्जाम्पल हैं। मेरे बच्चे को भी शौक है म्यूजिक का, दुआ कीजिए कि मेरा बच्चा भी आप जैसा ही सक्सेसफुल, आपके बच्चों जैसा सक्सेसफुल रहे इंशाल्लाह ताला। कभी ना कभी दोबारा मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। मेरी दुआएं हैं पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए और मेरी ख्वाहिश है मरने से पहले इस धरती को एक खूबसूरत कौम बनते हुए देख के जाऊँ मैं। अच्छा एक मैं चाहता हूँ कि हम इसको तस्सी कर लें। एक किताब है और उसका नाम है ज़रगुज़श्त, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की किताब है। यूसुफ़ी साहब नॉर्मली मज़ाह लिखते हैं, इसको ज़रा बंद कर दीजिएगा पीछे, मज़ाह लिखते हैं यूसुफ़ी साहब। उसमें एक ज़िक्र है खान साहब का और उस आर्टिकल का नाम है उस किताब में फूल की मेराज। समीना की एक बात से मुझे वो याद आ गया, मैं उसका एक इक्तबास आपको और आपकी नज़र कर रहा हूँ। खान साहब का किस्सा ये है कि खान साहब ने ज़िंदगी भर लोगों से प्यार किया और उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर की। खान साहब उनके देरीना दोस्त थे, फिर ऐसा हुआ कि खान साहब की बेगम का इंतकाल हो गया, बेटी अपने घर की हो गई, खान साहब अकेले रह गए, नौशहरा में रहने लगे। तो यूसुफ़ी साहब कहते हैं कि जब मैं उनसे मिलने पहुंचा तो वो तांगा करके सर्दी के आलम में मुझसे मिलने आए थे। हम दोनों बैठे रहे और बात करते रहे, मैं उन्हें देखता रहा और देखने के बाद जब मैं उठने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि फूल जो कुछ ज़मीन से लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन को लौटा देते हैं और यही फूल की मेराज होती है। समीना ने कहा कि ये पाकिस्तान का असासा है, दुनिया का। उसका रीज़न ये है कि ऐसे लोग कम कम आते हैं, एक ही हैं, अल्लाह ताला इन्हें हमेशा रखे। जो कुछ इन्होंने अचीव किया है वो इसलिए अचीव नहीं किया क्योंकि इन्हें कभी सूद का या ज़िया का ख़तरा था, वो इसलिए अचीव किया क्योंकि जो कहा वो यहाँ से कहा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के बाद जब भी हम इतने बड़े बड़े लोगों का नाम लें मुझे ऐसा लगता है ये दुनिया का असासा है और ये दुनिया में इसलिए आते हैं ताकि हम सबको ज़रा ज़रा सा बेहतर कर सकें। जो कुछ इन्हें हम देते हैं उससे कहीं ज्यादा ये हमें लौटा देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कुछ इंटरेस्टिंग सवालात हैं। लाला मैं क्या करूं, मुझे उन्होंने लिख के दिए तो मैं तो पूछूंगा। सवाल तुम माइंड नहीं करना यार, प्लीज तो माइंड नहीं, आपके सवाल पे डिपेंड करता है यार। नहीं यार, क्या ये क्या यार, मतलब अब तो देखो तुम्हारे फादर हैं ये तो हम मानते हैं, बट देन यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये अताउल्लाह खान ईसा खेलवी भी है। मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं, अगर अब आप ये भी एक्सेप्ट करें कि मैं सांव अली ईसा खेलवी हूं। अच्छा जी, एक छोटा ऐसा कोई सवाल नहीं है, एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद और तैयार हो जाइए। जैसे कि एक सवाल होगा, जवाब आप सोच लीजिएगा और मुझे यकीन है आप जवाब देंगे। इतने रोमांटिक गाने गाते वक्त किसका ख्याल जहन में आता है? आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
जोर से, जरा जोर से तालियां होनी चाहिए। हमारे पास एक टेलीफोन कॉल है, टेलीफोन कॉल के बाद सवाल करेंगे, बट लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन एंड हु वांट्स टू से व्हाट टू लाला। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम शादेव न्याजी, रावलपिंडी से। क्या बात है जी, क्या कहना चाहते हैं न्याजी साहब? जी मैं सर भाई ये कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आपका शो बहुत ही अच्छा है और हम बकायदा फैमिली पूरे शौक से देखते हैं, और आज आपने माशाल्लाह लाला जी को बुलाया, बहुत ही हम दिल के तार रही है, इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कोई लाला जी से अगर बात करवाना है सर भाई? जी जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है लाला जी? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। लाला जी आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप हमारे इलाके के और आपने हमारे इलाके का नाम बहुत ही बुलंद किया लाला जी, आई सैल्यूट यू। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतें और दुआएं हैं। थैंक यू लाला जी, नवाजी चाहिए। लाला जी मैं एक छोटा सा गाना आपका ही आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ जी, दुबई का टिकट है, अगर बहुत अच्छा गाएंगे तो दुबई का टिकट है, बिल्कुल है जी। हाँ जी पेश कीजिए गाना। ये इजाजत है लाला जी? लाला का ही गाना है, और कोई गाना नहीं गाना, ये जूनी का गाना है। हाँ जी, मेरी तरफ से तो इजाजत ही है, लाला से पूछ लो। जी जी मैं तो कब का दे चुका हूँ। रात चने दी चाननी ढोला, रात चने दी चाननी चल नाल पे हंस दे, सारे ने मैं कुवल वल करनी, सारे नी चन तारे नियो चन तारे तू होवे ओ रोही दी मिठड़ी, छा होवे ओ तेरा सिर होवे मेरी बाहों, ठंडी छा होवे। टिकट वापस ले लिया। ठंडी छा, ये जो लाइन कही है ये मैंने, ये ख्वाहिश की तकमील मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आप कॉल कर सकते हैं, लाला का ही गाना सुनाइए और दुबई का टिकट जीत लीजिए। लेकिन लाला कुछ एक सवालात हैं तो प्लीज़ वो जवाब ज़रूर दीजिएगा। आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, मतलब ना बताइए, हुक्म सुने ना। अच्छा here we go। सबसे पहला इश्क कब, किससे और कैसे हुआ? पहला इश्क उम्र में हुआ। कौन सी उम्र में? चलें, पहला इश्क जब इश्क की समझ ही नहीं थी कि इश्क होता क्या है। कौन सी उम्र थी वो? होगी 8-10 साल की। 8-10 साल की उम्र में? सर आप क्लासेस देते हैं सर? 8-10 साल की उम्र? 8-10 साल। अच्छा ये तो नहीं बताइएगा कि किससे हुआ, लेकिन 8-10 साल की उम्र में पहला इश्क हो गया। उनकी मखमूर निगाहों के करिश्मे तौबा। वाह, दूसरा तो मिसरा सुन लें। हाँ, उनकी मखमूर निगाहों के करिश्मे तौबा पाक बाजों को भी मैखार बना देते हैं, और पै बपै जुल्म सितम राह मोहब्बत में कमर एक इंसान को फनकार बना दे। अच्छा ये बताइए, जब आप रोमांटिक गाने गाते हैं, इतने रोमांस वाले, जैसे जिक्र जब छिड़ गया उनकी अंगड़ाई का, लाला का गाना है और बहुत कमाल गाना है, कमाल। शाख से फूल यूं टूट कर गिर पड़े, जैसे दुल्हन कोई प्यार की गोद में जिंदगी के मजे लूट कर गिर पड़े, जिक्र जब छिड़ गया उनकी अंगड़ाई। तो मुझे बताए, किसका ख्याल कौन होता है जहन में, मतलब इश्क होती है भी हो सकता है? नहीं, इश्क नहीं। जिसको तलाक दे डाले। अच्छा, इश्क भी तलाक देता है? इश्क जिसको तलाक दे डाले उसकी सारी हयात इद्दत है। क्या, वाह वाह, समझने वाली बात। जी जी, समझने वाली बात है, कमाल बात है कि इश्क जिसको तलाक दे डाले उसकी सारी हयात इद्दत। तो इद्दत में सारे गाने गा लिए आपने? Oh
जी इज्जत में की होती है 50 साल की नहीं शादी मनाए गाना मनाने लेकिन सर आपने तो दोनों बातें कर डाली जी क्या कह रही थी आप कह रहे थे ना इद्दत में सारे गाने गा लिए तो 50 साल तो नहीं होते 4 महीने गाए होंगे उसके बाद तो सीरियस हो गए होंगे अच्छा एक बात है कि आप प्लीज खुदा का वास्ता इनकी दवा ले आए टाइम हो गया है प्लीज अभी दवा ले आइए प्लीज माना कि हमारी फ्रिक्वेंसी मैच होती है लेकिन हाँ। इसका ये मतलब नहीं आप बार बार मुझे पागल करार दें हर शो में नहीं मैं नहीं कहता हूँ आप कहते हैं आप खुद दवाएं लाती हैं जो आप खाना भूल जाती हैं मतलब मेरी थोड़ी कहता हूँ अच्छा एक मिनट इससे पहले आप दूसरे सवाल करें मैं आपकी शिकायत करती हूँ जी सर हर सुबह हर 9 से 12 मैं टॉर्चर होती हूँ इस इंसान से आप प्लीज इनसे मेरी जरा थोड़ा इनसे कहे ना कि तंग नहीं है क्या करे बच्चे को मतलब इतना तंग करते लिटरली मैं निकल जाती हूँ और फिर वापस आ जाती हूँ दोबारा तंग होने के लिए मेरा ख्याल है ये इनकी मोहब्बत का एक अंदाज आए है अच्छा लाला वो कौन सा दौर था जब आपको बहुत तन्हाई का एहसास हुआ कौन सा बहुत तन्हाई का एहसास हुआ कौन सा दौर था वो जब आप बहुत अकेले हो गए मैं अब भी तन्हा होता हूँ तो क्या करते क्या है तन्हाई गाता हूँ गाते हैं कौन सा सैकड़ों अच्छा? लोग मेरे सामने होते हैं तब भी मैं खुद कहीं और होता हूँ हाँ। तन्हाई में कोई गाना होता है कोई खास डिपेंड करता है मूड के ऑनेस्टली जी जो अंदर से निकल रहा होता है कोई लाला कोई तन्हाई में कौन सा गीत गुनगुनाते हैं नॉर्मली ये अंदर के मौसम पे डिपेंड करता है आपके अंदर का मौसम कैसा अच्छा वो मौसम बदलते रहते हैं वो जाहिर है होता आप भी लाला किससे कह रहे हो उन्हें तो बाहर के मौसम का नहीं पता आज साहिर को देख के कुछ और हो गया आपको पता नहीं है और लाला ने बदला लिया आपको मालूम नहीं है मेरी शिकायत काम आ गई लाला को तकलीफ है ऑनेस्टली इस वजह से लेकिन मुझे नहीं पता लाला अगर ये एक जरा सा बोल गुनगुना दें कौन सा अजो आपको वो जो आपने अभी लाइन कही साहिर के लिए जो आपने कहा था कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली भावे वसे तू वालैत असां करनी नहीं रैत तैनू लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी काली सोने फुलावाली तू पहला पावे ते नखरे दिखावे तू पहला पावे ते नखरे दिखावे ओ रब करे सारा मेल कदिया जाई सा खेल सानू पेड़ ते जुल्फ दिछावे कमीज तेरी काली सोने लाल परादा नी बहु तेनू भादा ओ तेरे नाल नाल रवा ते बड़ी के पिछावा तेरे नाल नाल रवा ते बड़ी के पिछावा मेरा हर वेले दिल इहो चाहदा कमीज तेरी काली
सोने फुला वाली ओ भावे वसे तू वले असा करनी नी रेत तेनू लेके जाना है मिया वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुला वाली लाला को पुराने गाने बहुत पसंद हैं और बहुत गाते हैं तो लाला आपके लिए एक लाइन मैं कर रहा हूँ बहुत पुराना गाना है पता नहीं क्यों एहसास हो रहा है कि मुझे करना चाहिए मेरे पैदा होने से पहले का डेफिनेटली मैं तो बहुत ज़्यादा ओल्ड गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा हाफिज खुदा तुम्हारा गुजरा हुआ जमाना आता नहीं हाफिज खुदा तुम्हारा गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा हाफिज खुदा तुम्हारा हाफिज खुदा खुशियाँ थी चार दिन की आंसू है उम्र भर के तन्हाइयों में अक्सर रोएंगे याद करके वो वक्त जो के हम वो वक्त जो के हम साथ है गुजारा हाफिज खुदा तुम्हारा हाफिज खुदा तुम्हारा हाफिज खुदा तुम्हारा मेरे लिए सहर भी आई है रात बन निकला मेरा जनाजा मेरी बारात बन के अच्छा हुआ जो तुमने अच्छा हुआ जो एक टेलीफोन कॉल है लेट्स टेक दैट फर्स्ट अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम अच्छा जी आप हमें कॉल कर सकते हैं दुबई का रिटर्न टिकट है और जो भी लाला का गाया हुआ गाना गाएंगे और बहुत अच्छा गाएंगे या गाएंगी उनको हम ये दुबई के रिटर्न टिकट देने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान से कॉल आ रही हैं और पूरे पाकिस्तान से हम कॉल ले रहे हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं बताइए कि आप लाला का कौन सा गाना गाएंगे और फैसला लाला नहीं करना है हमने अभी तक एक गाने सुने हैं और एक गाना सुना है और अब हम कॉल जो है उसको ओपन कर रहे हैं और ले सकते हैं आपका सवाल है आप गाना गाना चाहती हैं गाना गाना चाहती हैं लाला का गाना लाला इजाज़त है हाँ जी क्या नाम क्या है मैम आपका रेहाना जी गो रेहाना गाना गाना चाहती हैं आपका ठीक है करेंगे रेहाना अरे नहीं एक एक दो बोल गा दीजिए पूरा गाना नहीं गाना है रेहाना मैं कसम खा रहा हूँ पूरा गाना नहीं गाना आपको इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा राम नाम सते उधर जिंदगी दुल्हन बनेगी इधर जिंदगी का
जनाजा उठेगा उधर जिंदगी मेरी दुल्हन बनेगी जवानी पे मेरी सितम ढाने वालों जरा सोच लो Very nice. जी लाला कोई कमेंट है आपको? पहली लाइन गलत कह दी। हाँ वो आपने गलत कही थी पहली लाइन लेकिन नहीं हाँ, कोई बात नहीं। मेरी दुल्हन बनेगी उनकी दुल्हन बनेगी इन्होंने अपना कह दिया। लाला मैं डर गया था। एक टेलीफोन कॉल है। Let's see who this is on line. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम जी। नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम फरजाना लाहौर से बात कर रही हूँ। ओए अब ये तो गया टिकट गया। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये टिकट गया ये टिकट बिकॉज फरजाना बहुत अच्छा गाती हैं बहुत खूबसूरत गाती हैं। सुनिएगा लाला सब जी फरजाना बताइए। सबसे पहले तो मैं मेरी बहुत बड़ा एजाज समझूंगी कि आज मैं किसी बड़ी शख्सियत के साथ बात करना चाहूँगी जो कि हमारे मुल्क का बहुत बड़ा खजाना है नॉट असासा खजाना है ये लोग और कुछ मेरी किस्मत में कुछ बहुत अच्छे अच्छे लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में जिनसे मैं मिली हूँ बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैं कहती हूँ मैं शायद मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों से मिलूँ लेकिन कुछ वजूहात कुछ वजहें ऐसी बनी कि मैंने मैडम ऊझा से भी मिली मैं मुनीर नियाजी साहब से भी मिली मैं बहुत से लोगों से मिली लेकिन मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी कि मैं लाला से भी मिलूं लेकिन आज आवाज़ के ज़रिए मैं उनसे बात करूंगी। जी बहुत शुक्रिया सलामत रहें आप। बहुत शुक्रिया लाला आप आएँ आप हमारी ज़िंदगी में इसी तरह शामिल रहें और हम आपकी सेहत के लिए आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह आपको सलामत रखे आप खैरियत से। बहुत शुक्रिया। मुझे आपके गाने तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं और लेकिन मैं एक छोटी सी कोशिश करती हूँ लेकिन एक मैं डेडिकेशन आपको दूंगी अगर आपकी इजाजत हो थोड़ा सा पहले मैं वो सुनाना चाहती हूँ। जी बिस्मिल्लाह। हंसी खुले में तेरियां यादाने आमिल सजना पर यादाने मेरे दिलदा दर्दाने ठिकाना लबियाए सुना बिछड़ के मिलियो चल सजना असा सारा जमाना लबियाए। लाला का गाना एक मैं आज मैं शादी पे जा रही हूँ और मैंने आज काला जोड़ा ही निकाला है तो मैं थोड़ा सा गा देती हूँ। जी बिल्कुल। कमीज तेरी काली ते सुन फुलवानी पावे वसे तू वलेस असा कर नहीं रेस तेनू लेके जाना मिया वाली है कमीज तेरी काली इस
बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। लाला जब आप लोगों को अपने गाने हुए मतलब गाते हुए सुनते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, ज़्यादा इतने लोग प्यार करते हैं, जाहिर है प्यार करते हैं तो वो मेरी कॉपी करते हैं। अच्छा फिर हर बड़े आदमी का कार्टून तो बनता है। हाँ जाहिर है, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं लाला। अच्छा लाला अब सवाल है, कोई ऐसा है जिसने आप जिससे आपने मोहब्बत की लेकिन इकरार ना कर सके? मोहब्बत की हो इकरार ना कर सके? मैं तो किसी से भी नहीं करता। दिल के मामलात से अनजान तो न था, इस घर का फर्द था, कोई मेहमान तो न था। बाहों में जब लिया उसे नादान था जरूर, जब छोड़ कर गया मुझे नादान तो न था। क्या बात है, क्या मोहब्बत सिर्फ जवानी में होती है या इसका उम्र से कोई ताल्लुक होता है? मोहब्बत का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। ये नन्ना सा बच्चा जो ऐसा माँ के गोद में फीड, उस समय माँ की मोहब्बत की बात नहीं कर रहा मैं, उस बच्चे की मोहब्बत की, मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा, बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, तो लाला की बात कर रहा हूँ, मैं तो बच्चे की बात ही नहीं कर, बच्चा तो मैं मोहब्बत की मैं बता रहा हूँ कि वो भी मोहब्बत करता है, उसको किसी और गोद, उसको किसी और गोद में मजा नहीं आएगा। सर मैं बहुत पिटा हूँ इस चक्कर में, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत पिटा हूँ। बचपन में मेरी अम्मी मुझे मना करती थी, देखो तुम किचन में मत जाना, जब भी वो दोस्तों के घर जाती थी तुम उनके किचन में मत जाना और तुम खाना उनसे मत मांगना। और मैं सबसे पहला काम ये करता था, मैं गाड़ी से उतरता था, आंटी के किचन में जाता था और जाके ना ऐसे खड़ा हो जाता था, आंटी खाना तो दे दें। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू, सीरियसली। तुम यहाँ आंटी कह रहे हो वरना वहाँ कोई और होगी। सर मैं कसम खाता हूँ सर, मेरा बचपन आपसे मुख्तलिफ था सर। मैं तो आंटी बोलता था, मैंने हमेशा आंटी को आंटी बोला है। आंटी आपको 15 साल लगी हैं ये बात करने के लिए, करने में इसका मतलब है कि कोई ऐसी इस बात में सच्चाई नहीं है। क्या मतलब है सच्चाई नहीं है? मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज, क्या आपकी बार बार क्लास हो रही है? क्या हो रही है? क्लास ले रहे हैं सर आपकी, ताली बजाओ मेरे टाइम, क्यों नहीं ताली बजा रहे हो? अभी एक बच्चा ना दवा लेके आएगा, प्लीज ब्रेक में खा लीजिएगा। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक में। मेरी पुकार सुन ले जी, आपकी पुकार। इतनी हसीन पागल का किसने देखी है? आई एम सॉरी, क्या इतनी हसीन पागल कभी देखी है? मतलब पागल पागल होती है। देखो 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 देखो, हाई हील वाली पागल कभी देखी है? एक मिनट, देखो जावेद बात ये है। देखो सारी पानी नहीं सकते, छोटा सा ब्रेक है, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सडनाल जिंदगी ने किते अजब तमाशे, सडनाल जिंदगी ने किते अजब तमाशे, साडे दिल दा चैन लुटिया असा टुर दे फिर दे लाशे, साडा भार किसने चौना साडे दर्द किस सदाने, कंडियां ते टुर के आए, कंडियां ते टुर के आए, तिड़कोल
परवाने अखे तेरी मर्जी छोड़े तू जाने या न जाने यहाँ तू ही क्या तेनु माने हुसन दा अज हे ते कल न हो सी असहां फकीर तेरे कल सादी लोड़ पोसी हिक जहे दी ना रहंदे हिक जहे नाए जमाने तेरे कोल परोवण अके तेरी मर्जी खोलण तू जाने या न जाने ये गा ये एक अंतरा मैं लाला के लिए कर रहा लाला प्लीज बैठेगा सॉरी आपकी इजाजत से आपका गाना आपकी तरह तो कोई भी नहीं गा सकता लेकिन आपकी इजाजत से है असों तेरे कोल रहंदे तू सारे कोल रहंदा असा तेरे कोल रहंदे तू साडे कोल रहंदा साडे वास दे कौन बाहर बहु दूर दाए पैदा असा इस जमी दे वासी तेरे चन्न ते हिन ठिकाने तेरे कोल परवाने अगे तेरी मर्जी ढोलन तू जाने या न जाने इहो हा तू आड़ी ख्वाहिश ओ पूरी कर गया है खुशियां मनाओ सजनों फारूक मर गया है हुण क्यों है रोना पाया तू सलाश दे सिराने कंडिया ते टुर के आए कंडिया ते हर गल तेरी मने सू जादाश्त तेरा लसू आपके गाने मुझे यहाँ याद है यहाँ याद है लेडीज एंड जेंटलमैन आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है बहुत सारी तालियां आता हूँ खान ईसा गली साहब के लिए हर गल तेरी मने सू जादाश्त तेरा लसू जीवे हुकुम थी माही तेरा शेर सुन हुकुम तेरा माही तेरा शहर छोड़ वैसू अस प्यार ते मुसाफिर आजिज ते बहुन माने कंडिया ते टुर के आए तेरे कोल परवाने अगे तेरी मर्जी ठोलने तू जाने या न जाने कंडिया ते टुर के आए कंडिया ते टुर के आए कंडिया ते टुर के आए थैंक यू लारा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू
अच्छा जी एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, बात कर रही हूं कराची से। जी जी वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? सोना? सोनिया। सोनिया, सोनिया। ओ जी सोनिया, जी सोनिया क्या कहना चाहती हैं? बस मैं बहुत खुश हो रही हूं इस वक्त और मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि मैं अताउल्लाह साहब से बात करना चाहती हूं और मैं उनसे बात करूंगी। तो मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूं, लेकिन इतनी खुशी हो रही है मुझे, इतनी खुशी हो रही है कि कोई हद नहीं। ये माशाल्लाह इनको हम अपने बचपन से, मतलब मैं तो अपनी पैदाइश से देखती भी आ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह और ये इतना खूबसूरत गाते हैं। और अच्छी बात यह है कि इनकी मदर टंग जो है वो कुछ और है, लेकिन ये जो सराइकी में गाते हैं, क्योंकि मेरी लैंग्वेज सराइकी है, तो वो इतनी खूबसूरती से गाते हैं कि गुमान ऐसा होता है कि जैसे ये सराइकी है या सिंधी है या जिस भी लैंग्वेज में गाते हैं। अच्छा दूसरी बात यह है कि इनके बच्चे गा रहे हैं माशाल्लाह, तो वो भी बहुत अच्छा गा रहे हैं और स्टीज वगैरह। मैं एक छोटा सा गाना इनको सुनाना चाहती हूँ इन्हीं का, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं सुनाऊं थोड़ा सा। जी बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला सुनाइए। एथे वा मुंदरी दा थे वा, एथे वा मुंदरी दा थे वा, एथे वा मुंदरी दा थे वा, सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा, बेखाबा विच आने वाली है, 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 एथे वा मुंदरी दा थे वा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मतलब मैं इस वक्त कहाँ पर रही हूँ इस वक्त, आप बिलीव करें कि मैं बहुत शिवरिंग कर रही हूँ कि मैं आपके सामने, मतलब इतनी बड़ी जसारत कर ली है मैंने, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू साहिब भाई, क्या आज आपने मुझे मौका दिया और मैंने अताउल्लाह साहब से बात की है और उनके सामने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लाला आपकी और सावल की जो रिलेशनशिप है, सावल को कितना जानते हैं आप? सावल को कितना जानते हैं? ये मेरी पेशकश है, मैं कैसे नहीं जानता। सही बिल्कुल। अच्छा तो कुछ सवालात हैं सावल के बारे में, तो वो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। सावल की फेवरेट हीरोइन कौन सी है? उसकी बीवी है। जो भी आपको उसका नाम ले लो। क्या बात है, उनकी बीवी, उनकी बेगम। अच्छा सावल को सबसे ज्यादा आपका कौन सा गाना पसंद है, ये तो पता होगा, कौन सा गाना पसंद है आपका? मेरा? हाँ सावल को कौन सा पसंद? मेरे वैसे तो बहुत सारे गाने इसको पसंद है, लेकिन वो दिल के, अभी जो मैंने आपको दो शेर सुनाए, दिल के वो अमलात से अनजान तो ना था, ये बहुत ज्यादा पसंद। इस घर का फर्द था कोई मेहमान तो नहीं पहने। अच्छा सावल की पहली स्कूल टीचर का नाम पता है आपको? पहली स्कूल टीचर का नाम? क्लास। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। नहीं पता था। क्या कह रहे क्या कह रहे मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए सावल को किस खेल का सबसे ज्यादा शौक है, कौन सा खेल बहुत शौक से खेलता है? ये मेरा ख्याल क्रिकेट का बहुत शौकीन था। क्रिकेट बहुत सही था। सबसे ज्यादा सावल को खाने में क्या पसंद है, खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है सावल को? मेरा ख्याल ये आदत मुझ पे गई है, जो मिल जाए उसी को गनीमत समझ लेते। क्या बात है यार। सावल को ग्लासेस किस उम्र में लगे, किस उम्र में सावल को ग्लासेस लगे थे? ये बहुत छोटा था, उम्र का सही तायुन तो इसकी माँ कर सकती है, लेकिन छोटा बहुत था जब। छोटे बहुत थे जब, सही है, वेरी ट्रू। अच्छा अब लारेब और सावल दोनों की बातें, ज्यादा शरारती कौन है, सावल या लारेब? बेटियाँ बहुत प्यारी है। शरारती कौन है? शरारती तो बेटियाँ कम होती हैं। हाँ। ज्यादा शरारती हैं। छोटा बिलावल ज्यादा शरारती। छोटा बिलावल इनसे भी ज्यादा शरारती। हाँ। अच्छा। बेटियाँ तो बहुत मासूम होती हैं। सबसे अच्छा गुलूकार कौन है? बिलावल गाते हैं? बिलावल म्यूजिशियन अच्छा है। म्यूजिशियन अच्छा है। बहुत अच्छा म्यूजिशियन। बहुत अच्छा म्यूजिशियन।
گلوکار یہ زیادہ اچھے رائٹ اچھا اگر ایکٹنگ میں کسی کو بھیجنا ہو تو کس کو بھیجیں گے ان کو بھیجیں گے یا بلاول کو بھیجیں گے کہاں ایکٹنگ میں ایکٹنگ میں فلموں میں اداکاری اداکاری کا میرا خیال ہے بلاول کو تھوڑا بہت بلاول کو تھوڑا بہت اس میں جراثیم ہیں تھوڑا اچھا آپ نے بھی تو فلم کی تھی وہ تو دیکھ کے شرم آ گئی نہیں کیوں شرم آ رہی تھی فلم تھی میں نے کیا کیا نہیں آپ نے فلم کی تھی تو کیسا ایکسپیرینس کیسا تھا لالا وہ فلم کا وہ فلم ایسے تھی کہ ہم جو لوگ ہیں رواداری اور محبت میں کہ مارے ہوئے لوگ ہیں تو جو پروڈیوسر تھا اس کی خواہش تھی کہ میں گانا گاؤں پہلے تو میں نے کہا میں پلے بیک سنگر تو ہوں نہیں تو اس کی فرمائش پہ بلکہ بہت ساری دوستوں کے کہنے پہ میں نے وہ کی فلم میں گانا کر دیا جب اس کی فلم میں گانا چل گیا قمیض تیری کالی تو پھر اس نے کہا کہ اگر یہ فلم میں کام کرے گا تو زیادہ اچھا ہوگا پھر اس نے مجبوراً کام کروایا پہلی فلم تھی میری دل لگی ہاں اور میں نے پوری فلم نہیں دیکھی آدھی فلم میں اٹھایا تھا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں مجھے شرم آ رہی ہے اچھا اس کے بعد بھی فلمیں کی ہیں نہیں تین فلمیں کی کتنی فلمیں کی تین فلمیں کی اور تینوں کو پورا دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا کوئی اپنی پکچر دوسری فلم میں تو میری آواز ہی نہیں میں عمر پہ گیا تھا پیچھے کسی اور کی آواز میں ڈب کر کے اور تیسری والی کا کیا قصہ تھا بس یار مت پوچھو کیا حال ہوا آپ کو میں کچھ دکھانا آپ کو میں جی تیسری کے بعد کوئی کیوں نہیں کی آپ ایک سیکنڈ ذرا دیکھ لیں تین فلموں کے بعد میں بتاؤں یہ ہم آپ کو دکھائیں گے پوری طرح سے تینوں فلمیں دکھائیں گے لالا کی آج ان کے کچھ کلپس ہیں ہمارے پاس وہ ہم دکھائیں گے اور مزید بات چیت کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد ساول سے ایک گانے کی میں نے ریکویسٹ کی ہے تو واپس آتے ہیں تو ساول سے گانا بھی سنتے ہیں چھوٹا سا بریک آپ کا ملتا ہے لپتی پھرے گی ہوئی میں سسی جاگ دیں رات اجتی نید نوانی میں اٹھا والے ٹو میں دل دی دنیا چ تیرے باجو جے کوئی وساواں تا کافر آکھی میں تیری چوکھٹ تو ساری زندگی جے صرف اٹھاواں تا کافر آکھی پیار نال نہ سہی غصے نال ویکھ لیا کر بیماراں نوں شفا مل جاندی تیرا دیدار چنا ساڈی مجبوری اے روز تینوں تکنا بڑا ہی ضروری اے تجھے نہ دسے تے چم لئی دا اے تیرا در بیماراں نوں شفا مل جاندی اے پیار نال نہ سہی تھینک یو اچھا ایک کال لیتا ہوں لیکن ایک آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ ظاہر ہے کتنا مشکل ہوتا ہے لالا کے ساتھ ٹریول کرنا اور شوز میں پرفارم کرنا مشکل لگتا ہے یا اب عادت ہو گئی ہے نہیں مشکل تو ہے بہت زیادہ عادت نہیں بن سکتی بہت مشکل ہے بیکاز دی شوز یو ہیو ٹو فل ان یہ بہت بڑے ہیں ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ناٹ پاسبل لیکن ظاہر ہے اب تم اپنی پہچان بنا رہے ہو اور بہت بنا رہے ہو اور لوگ تمہیں جانتے ہیں تمہارے فینس ہیں اپنے انڈیویجول فینس ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ آبویسلی لالا از لالا بٹ دین میں ان کے شوز فل کرنا ہی نہیں چاہ رہا میرا اپنا ایک انداز ہے میرا اپنا کام ہے میں نے اپنے طریقے سے کرنا ہے شوز ان کے فل نہ کیے جا سکتے ہیں اور انٹینشنز بھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ بڑا مشکل کام ہے ہاؤ از لالا از اے فادر کیسے ہیں
Father, he's 10 times more greater than a singer. Wow, kya baat hai. Kya baat hai. Acha, inke koi favorites hain bachcho mein? Matlab tum, Larib ya Bilawal, koi favorite hai? नहीं, सब की अपनी अपनी जगह. वो इस वजह से क्योंकि मेरे साथ जो वक्त गुजरा वो कुछ और था. मेरे छोटे भाई के साथ इनकी एक अलहदा मोहब्बत है. तो वो जब इनके साथ करता है उसका एक कनेक्शन और होता है. वो इनसे एक और तरीके से फ्री होता है. मैं नहीं हो सकता उस तरीके. अच्छा. तो वो भी एक बड़ा खूबसूरत मंजर होता है जब आपस में दोनों लगे हुए होते हैं. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. बट उनका उसके उसका हम चारों का अलहदा से कनेक्शन. ओके. एंड हाउ इज़ लारिब? लारिब वो जैसे भी पापा ने थोड़ी देर पहले बताया कि वो खामोश और अपने जोन में रहने वाली उस तरह से. तो कभी घर में आपस में इख्तलाफात होते हैं, लड़ाई होती है जहाँ मोहब्बत है वहाँ पे तो होती है ऑब्वियसली. और फिर उसका एक अपना चार्म होता है. इफ वन थिंग यू हैव टू से टू योर फादर टुडे, कोई एक चीज़ अगर आप अपने वालिद से कहना चाहें इस वक्त. आई लव यू. क्या कह रहे? वो कह रहे हैं कि आई लव यू. वो इन्होंने ये कहा आई लव यू. इन्होंने ये कहा. अच्छा, जिंदगी के सारे मामलों में आप मशवरे लेते हैं फादर सब सारे? क्योंकि बहुत अरसा मैं बाहर रहा, इनसे दूर रहा. अब जैसे मैं वापस आया हूँ तो अब इंटरेक्शन ज़्यादा हो गई है, मशवरे लेना ज़्यादा हो गया काम के लिहाज से, लाइफ के लिहाज से, म्यूज़िक की वजह से, तो इंटरेक्शन ज़्यादा. अच्छा, जब आप ख़वातीन को बहुत सारी देखते हैं लाला के लिए, मतलब जाहिर है दे क्रेज़ी फैंस, तो और ख़ास तौर पे मतलब बाहर के मुल्क के लोग या यहाँ के मुल्क के लोग, तो कैसा फील कैसा होता है? मतलब मैं देख रहा हूँ और मतलब मेरे वालिद के साथ ख़वातीन जो हैं वो मुसलसल तालियाँ बजा रही हैं और देर गोइंग क्रेज़ी. हाउ डज़ इट फील? जैसे फ़ैन्स हैं उनकी मोहब्बत करने का एक तरीका है और मुझे खुशी होती है कि ये पूरी कौम में क्या, पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में जो उन्होंने घर बनाया है. अपने तरीके से हर इंसान उसको एक्सप्रेस करता है. अच्छा. और हर तरीका देखने का एक अपना मंजर होता है, एक अपना एक अपनी उसकी एक चाहत होती है. मुझे मैं बहुत इंजॉय करता हूँ. लाला, कभी कोई ऐसी क्रेजी फैन मिली जिसने मिलते ही कहा मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी और मतलब आपको तो बस मैं तो मतलब, कभी कुछ ऐसा हुआ? बहुत दफा. तो आपका जवाब क्या होता नॉर्मली उसमें, क्या कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं? मैं अब हिस्सों में तो बांट नहीं सकता वरना मैं अपना हिस्सा बांट देता हूँ. नहीं, लेकिन आप नॉर्मली क्या जवाब देते हैं ऐसी बात को? मैं उसके लिए दुआ कर सकता हूँ. क्या दुआ? और क्या? तो वो बेचारी आपको आपसे मोहब्बत करती है, आप उसे दुआएं देके रुखसत कर देते हैं? जाहिर है मैं उसके लिए, मैं तो आवारा सा फनकार, मेरी क्या भुकत. क्या बात कर रहे हैं लाला. एक दो गीत परेशान से गा लेते हैं. तो मैं कोशिश करता हूँ उसे जिस हद तक मैं मुतमइन कर सकूँ वो खुश हो जाए जिस जहाँ से. तो बहसीत फैन वो मुझसे प्यार करती है, करता है, या दोनों होते हैं, तो मैं मेरे हिस्से में मैं जो उसे दे सकता हूँ वो देने की पूरी कोशिश करूँ. एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी इफ दिस इज ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नायला कैसी हैं आप? जी ठीक है. ओके नायला, बात कीजिए लाला से. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर. जी नायला, बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर सर. बहुत शुक्रिया. अल्लाह आपको सलामत रखे, खैर से हो. अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे. थैंक यू. आप मेरी मदर के बड़े फैन थे. आपकी मदर मेरी बड़ी फैन थी. मेहरबानी, कोई दुनिया में नहीं है, आप उसके लिए दुआ कीजिएगा.
जी आप इस दुनिया में नहीं है, आप उसके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, करवट करवट नसीब करे। आमीन। बस अब बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत खुशी। अल्लाह आपको सलामत रखे और उनकी मंजिलें आसान करे। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। आमीन, बड़ी मेहरबानी। अच्छा लाला, आप मेरी मदर के भी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब माई मदर लव्स यू एंड ऑनेस्टली माई फादर लव्स हर। मतलब कमाल, आप हर जगह हैं, हर हर एक शख्स के साथ हैं, हर हर दिल के अंदर बसते हैं। और मेरी मदर ने, वो बहुत बीमार हैं, लेकिन उन्होंने स्पेशली ताकीद की थी कि मेरी तरफ से ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता करे, मेरी वो बड़ी बहन है। थैंक यू, थैंक यू लाला, बहुत के लिए दुआ गो हूँ और बहुत दिल से दुआ करूँगा उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और है सुमेरा, लंदन में रहती हैं वो। उन्होंने आपका इंटरव्यू बहुत सालों पहले किया था, कोई निजी चैनल था वहाँ पे टेलीविज़न का, जिसके मिस्टर मिसेस पाशा ओनर थे, और आपने वहाँ पर जाके, वो कहने लगी कि मुझे पता नहीं लाला को याद भी होंगी या नहीं याद होंगी, सुमेरा उनका नाम है, कहने लगी लेकिन आप जिक्र प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा लाला से, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जी सुमेरा, अल्लाह आपको सलामत रखे, और ज़िंदगी हुई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं लंदन आऊँगा, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा लाला ने, लाला ने एक फिल्म की थी दिल लगी। दिल लगी का एक मंजर है कि जहाँ सुल्तान रही साहब आते हैं और फायरिंग हो रही है वहाँ, तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। और आपने पूरी पिक्चर तो नहीं देखी ना, नहीं देखी ना पूरी पिक्चर, तो ये अब आप आज देखिएगा हमारे साथ, तो हम दिखाना चाहते हैं लाल वो सीन जरा देख लीजिए। आप मुझे शर्मिंदा करना चाहते हैं? नहीं लाला, क्या बातें करें, आपको पता ना मैंने भी एक पिक्चर की है, इसलिए हम दोनों पिक्चर की बातें नहीं करते। तो आइए आइए जरा ये जरा मंजर देखते हैं, प्लीज दिखाइएगा। नॉट बैड लाला, बहुत पुरानी पिक्चर है और उस वक्त ऐसे ही काम होता था, और बहुत अच्छा काम है इसमें, क्या वो है, ये हमारी मूवीज हैं और हमारी हमारी फिल्म हैं और हमने बड़ा देखी है ना। और ये किस टाइम की है, कुछ आपको याद है किस टाइम, किस साल की ये पिक्चर है? मैं याद नहीं है, याद सही डेट याद नहीं। चले चले, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच सांवल, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर लाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर बैठे, सर सर बैठे, मुझे आपको गले लगाना सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सलामत रहो, आपके देखने वाले सलामत रहें, और एक बात जाते जाते, अल्लाह इस धरती को सलामत रखे। आमीन आमीन। हम सब ने इस माँ के लिए सोचना है, ये धरती जो हमारी माँ है, ये होगी तो हम होंगे, इसके लिए सोचें, इसके लिए करें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, टीवी वन के देखने वालों, सुनने वालों, अल्लाह हाफिज़। आंसू भरी हैं ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। अल्लाह घर का बेदी पैदा ना करे। आंसू भरी हैं ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी बर्बादियों की अजब दास्ता हूँ, शबनम भी रोए मैं वो आसमां हूँ। तुम्हें घर मुबारक, मुझे मेरी आहें, कोई से कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी Thank you.
सावल से हमने रिक्वेस्ट की थी और लाला का ही गीत है और सावल से रिक्वेस्ट की थी. सावल प्लीज. दिल लगाया था दिल लगी के लिए जो ना करना था वो भी कर डाला जो ना करना था वो भी कर डाला हमने जालिम तेरी खुशी के लिए दिल लगाया था दिल लगी के लिए सारे झगड़े ही जिंदगी तक है सारे झगड़े ही कौन मरता है फिर किसी के लिए दिल लगा था दिल लगी के लिए.
हमने जालिम तेरी खुशी के लिए दिल लगाया तो दिल लगी के लिए बन गया रो लगाया दिल ही के लिए बन गया रो जिंदगी के लिए दिल लगाया दिल ही के लिए मुझे मैं आपसे एक बात कहूं लाला बैठ जाइए लाला की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लाला का ऑपरेशन हुआ था जैसे कि बताया है। लाला सिर्फ आपकी मोहब्बत में इतना भी गा गए और मुझे पता है कि जाहिर है फनकार हैं तो ये हर वो काम करते हैं जो आपको चाहिए होता है, लेकिन लाला की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं। सर जो कुछ किया लाला ने वो सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए किया, सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए। आपको एक सेकंड, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं कह रहा हूँ कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ दोबारा तो 100% 100% हाँ। क्या कह रहे हैं? पठान जब दुआ देता तो भी ऐसे ही देता है। बोले अल्लाह ताला तुमको तौफीक दे। पठान की दुआ। वेरी नाइस। माइक नहीं है लाला के पास? अच्छा लाला आपके पास माइक नहीं है सिर्फ बोलने के लिए? जी बोलिए। छोटी सर इजाज़त देंगे बोल दूँ? बचपन की बात है, मैंने इनसे ब्रेक में भी डिस्कस किया। आपकी या मेरे बचपन? मेरे बचपन। अच्छा। की सर मतलब बताने का मतलब ये कि सिर्फ साहिर आपका फैन नहीं है, मतलब हम यंगस्टर्स भी आपको उस जमाने से सुनते आ रहे थे जब छोटे से थे। तुमसे छोटा हूँ मैं? माफ कर दें, जस्ट बिकॉज हम मेकअप नहीं करते इसका ये मतलब नहीं है। मैं भी अभी वॉक करके वहाँ आ सकती हूँ। आप आ जाइए, जहाँ मर्जी आ जाइए वॉक करके। क्या मतलब है यार ये? खड़े होने यहाँ पे जी, मैं तो लाला के पास हूँ। ओके जी, छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी Ladies and gentlemen, वेलकम बैक। और आज बहुत बड़ा दिन है, ऑब्वियसली आज लाला अताउल्लाह खान सखेल भी हमारे साथ हैं, लेकिन आज एक और बहुत बड़ा दिन है। मैं जब ये सेगमेंट्स करता हूँ तो कुछ सेगमेंट्स मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि ये बच्चों से ताल्लुक़ रखता है। मैं एक बेटी का बाप हूँ और जैसे लाला ने भी कहा था और मैं भी हमेशा कहता हूँ कि बेटियों से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ और कोई नहीं है। आज 21 नवंबर है, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे है आज। और आपको पता है कि आजकल बच्चों की जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा टफ हो गए। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरा बचपन जो था वो बहुत सादा था, बहुत आसान था। आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत मुश्किल रूटीन में ज़िंदगी गुजारते हैं। कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, स्पेशली स्कूल्स के अंदर, स्पेशली उनके स्पोर्ट्स में, हर जगह कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं, एग्जॉस्टन फील करते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे अपने घर में जितने बच्चे हैं, अब 90% लेना या 95% लेना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो 95 एंड अबव का केस है। बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हों, चाहे वो डिबेटिंग के मुकाबले हों,
चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या फिर वो पढ़ाई हो, कंपटीशन बेतहाशा बढ़ गया है। अच्छा, ये तो बात यहाँ तक है। कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जिनका आपके बच्चे आपके स्कूल के अंदर फेस कर रहे होते हैं, और ज़ाहिर है जब वो फेस करते हैं तो आपने भी बात नोटिस की होगी कि बहुत सारी चीज़ों के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। फॉर इंस्टेंस, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव हर्ड दिस कि आपके बच्चे ने लंच स्कूल में नहीं लिया, वो लेता ही नहीं है लंच, उसका उसको खाना ही नहीं होता। अच्छा, होता क्या है, न्यूट्रंस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जब न्यूट्रंस कम हो जाते हैं तो एनर्जी कम हो जाती है, जब एनर्जी कम हो जाती है तो बच्चा लेथार्जिक फील करता है, और जब लेथार्जिक फील करता है तो कॉम्पिटिशन के अंदर पीछे रह जाता है। अच्छा, कॉम्पिटिशन में पीछे रहने से होता क्या है, एक बहुत बड़ी बात होती है, जहन पे प्रेशर बिल्ड होता है और बच्चा एहसास कमतरी का शिकार होने लगता है। तो आपको अपने बच्चे को न्यूट्रंस पूरे देने, मेक श्योर करना है कि जो उसकी गजाई तवानाई जिसको दरकार है वो उसको 100% मिल सके। लेकिन होता क्या है, आप खुद पूछ के देख लीजिए, तुमने लंच खाया? नहीं, मैंने लंच नहीं लिया। अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को एक जगह बिठाना, होल्ड करना और इसके बाद उनको खिलाना, बिकॉज मैं, मेरी बेटी अब 3 साल की हो जाएंगी 12 दिसंबर को, तो मैं उनको जब खिलाने के लिए बैठता हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, वो एक जगह नहीं बैठ पाती। अच्छा, फिर कभी उनका मूड होता है खाने का, कभी उनका मूड खाने का नहीं होता, दे डोंट वॉन्ट टू ईट एनीथिंग, उनको कुछ चीज़ चाहिए होती है जो बहुत अच्छी हो। अच्छा, अब आपको चुनना ये है कि बहुत अच्छी चीज़ जिसे वो पसंद भी करें, उसके अंदर गजाई न्यूट्रंस जो है वो भी पूरे हों, तो वो कैसे होगा? आपको पता है कि आप किस तरह से ये रिक्वायर्ड, अच्छा सबसे बड़ी बात है, बिफोर वी गो एनी फर्दर, आपको मालूम है कि एक रिपोर्ट आई थी और ये रिपोर्ट 2011 में थी, 43.8% बच्चे पाकिस्तान में आयरन डिफिशेंसी का शिकार है, 43.8%, 43.8%। इसी तरह से 38.2% बच्चे जो हैं वो जिंक की डिफिशेंसी का शिकार है, और ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये न्यूट्रिएंट्स ना मिलें तो क्या आपकी बॉडी कॉम्बैट कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। आप मुझे बताइए कि आपका बच्चा, अच्छा कितनी मरतबा ऐसा होता है कि आपका बच्चा बहुत फसी ईटर होता है, वो ये कहता है नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे कुछ, सबके प्रॉब्लम यही है ना, नहीं जोर से बोले, सबके प्रॉब्लम्स है, यही प्रॉब्लम्स है ना। आप मुझे बताइए, आप माँ हैं, मैं तो ये डेली फेस करती हूँ, मेरा बच्चा लंच करके नहीं आता है और मैं जबरदस्ती उसे ट्राई करवाती हूँ कि करना है लंच, करना है जरूरी। अच्छा, मजे की बात ये, इसका एक जो जो बहुत ज्यादा डाउन साइड है वो ये है कि जब वो लंच करके नहीं आएगा तो क्या होगा, वो बहुत थका होगा, बहुत ज्यादा लेजी होगा, बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो जाएगा, और उन सारी चीजों की वजह से उसकी तवनाई जो होगी वो कम हो जाएगी। अच्छा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्लास में? जी हाँ, पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्लास में, नहीं करेगा स्पोर्ट्स के अंदर, नहीं करेगा, बहुत ज्यादा पीछे रहने की, मतलब पीछे रह जाएगा वो। तो अब क्या किया है कि टाइगर एनर्जी ने, टाइगर ऑफ कोर्स हम सब टाइगर को जानते हैं, सबसे पहले टाइगर के लिए बहुत सारी तालियां, इन्होंने ये देखा, और ये बात मैं बहुत पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ, इन्होंने देखा कि यार बच्चों को न्यूट्रंस पूरे मिलने चाहिए, गजाई तवानाई जो वो पूरी मिलनी चाहिए, तो क्या किया जाए, उन्होंने अपनी रेसिपी को ही रिवाइज कर दिया, उन्होंने रेसिपी को रिवाइज किया और उसके अंदर जो एडेड एनर्जी आयरन और जिंक की डाली, इट प्रोवाइड 20% डेली डोज ऑफ द टू की न्यूट्रंस फॉर ग्रोइंग चाइल्ड दैट बैटल्स लॉस ऑफ एपेटाइट, लेथार्जी, their disinterest in playing and also improves focus while studying. अब इसको मैं वैसे बता दूं कि 20% डेली डोज जो आयरन और जिंक का है वो टाइगर एनर्जी ने प्रोवाइड कर दिया आपके बच्चों के लिए। टाइगर बिस्किट जो है उसने ये सोचा कि यार बच्चे जो हैं उनमें तो ये प्रॉब्लम रहेगी, बच्चे खाना भी नहीं खाएंगे, आज यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे है तो हम ये कैंपेन भी कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि आपको एक हल मिल गया, एक रास्ता मिल गया कि आपके बच्चों को अगर गजाई तवानाई पूरी देनी है तो टाइगर बिस्किट्स को उनकी न्यूट्रिशन का, उनकी गजा का हिस्सा बना दीजिए। सबसे बड़ी बात क्या होगी, आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि मैं ये खाना नहीं चाहता, बिकॉज टाइगर बिस्किट सभी खाना चाहते हैं, बच्चे या बड़े सब खाना चाहते हैं। थैंक यू। अच्छा, आपसे पूछ रहा हूँ और आप मुझे जवाब दीजिएगा, क्या आपने कभी ऐसा फेस किया है, क्या आपने कभी ऐसा फेस किया कि आपका बच्चा घर पे आया हो और आपको ये पता चला हो कि उसने खाना नहीं खाया? जोर से बोलिए, वहीं से बोल दीजिए, हुआ है ना। क्या ऐसा हुआ है कि जब आप बच्चे के सामने कुछ रखते हैं, बच्चा कहता नहीं मुझे ये भी नहीं खाना है, ये बात कहते हैं ना, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, और मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन इससे क्या होता है, आपका बच्चा लेथार्जी का शिकार हो जाता है।
आपके बच्चे का लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, उसका डिसइंटरेस्ट हो जाता है खेलने में और पढ़ने के अंदर। इन सब बातों का हल मौजूद है क्योंकि दो की न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं किसमें, अवेलेबल है टाइगर बिस्किट के अंदर। और टाइगर बिस्किट में क्या क्या चीजें शामिल हैं, आयरन शामिल है और जिंक शामिल है। तो बहुत सारी तालियां टाइगर बिस्किट के लिए। मैंने सावल से कहा था, सावल इफ़ यू कुड प्लीज़ हेल्प मी, मुझे ये गिफ्ट हैम्पर्स जो है ये सबको देने हैं। चार लोग होंगे जिनको हम चुनेंगे और मैं आपसे चार सवाल करूंगा टाइगर बिस्किट्स के बारे में। सबसे पहले तो प्राइस देख लीजिए, क्या आपको ₹5 में इतनी एनर्जी मिल सकती है? क्या आपको ₹5 में ये डेली डोज जो है 20% जो आयरन और जिंक की है वो मिल सकती है? लेकिन इससे कहीं बड़ी बात टाइगर बिस्किट्स ने की है, और वो बात ये है कि उन्होंने अपनी रेसिपी को रिवाइज किया है। किस लिए? पाकिस्तान के बच्चों के लिए, ये फील करते हुए कि बच्चों को ये डोज मिलनी चाहिए, आयरन भी मिलना चाहिए उनकी गिजा में और जिंक भी मिलना चाहिए। तो टाइगर बिस्किट्स के लिए वंस अगेन एक बार फिर तालियां। दिस ब्यूटीफुल लुकिंग हैम्पर, ये मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले ये बताइए कि आयरन और जिंक के साथ 20% डेली डोज आपको मिलेगी किस बिस्किट में मिलेगी? सर आप आ जाइए, जिसको आप देना चाहते हैं जो जोर से बोलेगा जी किसको। अच्छा थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा ये बताइए। हाँ जी अच्छा जी एक मिनट जी बिल्कुल एक मिनट आहिस्ता बैठ जाइए आप भी बैठ जाइए काम करें। मैं ये हदील को दे रहा हूँ, एक सेकंड नीज एंड नेफ्यूज साइलेंस प्लीज, बैठ जाइए। मुझे अच्छा मेरे भी सिक्स नीज एंड नेफ्यूज हैं। आप लोग असलम भाई सर बिठाइए इनको प्लीज, बैठ जाइए। यस मैम आई एम सॉरी प्लीज बैठ जाइए, मैंने तो नहीं मोड़ा आपका हाथ, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा हियर इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए कि कितने परसेंट आयरन डेफिशिएंसी है रिपोर्ट के मुताबिक 2011 की। नहीं जी सॉरी 43 किसने कहा, 43.8 एक उनको दे दीजिए, बहुत सही है 2011 के मुताबिक। अच्छा ये मुझे बताइए जिंक की जो डेफिशिएंसी है 2011 के मुताबिक वो कितनी है? नहीं जी किसने बोला 38 आपने बोला, किसने बोला, इन्होंने बोला है, इनको दे दीजिए। थैंक यू जी बहुत शुक्रिया। सारी बातें छोड़ दें, सिर्फ इतनी बात याद रखिए कि अब आपके पास एक ऐसा बिस्किट मौजूद है और जो आपको 20% डेली डोज प्रोवाइड करता है आयरन और जिंक की, दैट्स टाइगर बिस्किट। साइलेंस प्लीज, थोड़ा सा चुप हो जाइए। थैंक यू वेरी मच। वंस अगैन प्रॉब्लम वही होता है बच्चों में कि बच्चे खाना नहीं चाहते, बहुत फस करते हैं और वो ये कहते हैं कि जी मुझे ये भी नहीं खाना, मुझे वो भी नहीं खाना, स्कूल के अंदर अपना लंच भी नहीं लेते। आपको अब सिर्फ इतना मेक श्योर करना है कि उनकी गिज़ा का हिस्सा बनवा दीजिए टाइगर बिस्किट्स को, क्योंकि ये 20% डेली डोज प्रोवाइड करता है आयरन और जिंक की, जो आपके बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू टाइगर बिस्किट्स, बहुत सारी तालियां टाइगर बिस्किट्स के लिए। लाला का बहुत शुक्रिया, थैंक यू लाला, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सावल। एक गाना है बालो बत्तियां वे माहि साकू, तो अगर उस पे हम एंड कर सकें सर प्लीज। हियर वी गो। हेलो मैं तेरी होलियां वाली, मैं इथे ते ढोलियां वाली, मैं जेते पिछू मोरा गाली मेरे अवे माया, मेरे अवे माया वे कोई मोठ ते लोई माया, जीवे चन में उजड़ा वे शला उजड़ न कोई माया, बालो बत्ती वे माही सपनू मारो संगलाना, बनाई सोना बन सामलाना, नहीं थे ते ठोल मेरा वाते,
अभी माया